हेलो दोस्तों, समीदा खातून ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप लोग ठीक हैं, हम लोग ठीक हैं, आप लोग भी ठीक रहिए और आप लोग का परिवार भी ठीक रहे। तो दोस्तों, हमारे बैग का काम अभी हो ही रहा है। तो हमारे ब्लॉग में जो काम होता रहता है वो आपको मैं रेगुलर दिखाती रहती हूँ, जो मैं अपने ब्लॉग में और अपने घर में क्या काम कर रही हूँ। तो दोस्तों, अभी हमारे तो हमेशा बैग का काम होता रहता है, तो मैं करती रहती हूँ। तो देखिए, ये हमारा चैन पट्टी है, ये आगे का पार्ट है और ये चैन वाला पार्ट है आगे का। इसमें चैन लगेगा और इसमें फिर पैकेट लगेगा, पैकेट लगेगी अस्तर, तो आगे का पार्ट है। तो ये पार्ट मैं अभी इसको फोल्ड कर रही हूँ, इसको फोल्डिंग करना पड़ता रहता है। और अभी गत्ते लगाई हूँ दोस्तों, इसमें गत्ता लगाना पड़ता है इसलिए कि गत्ता लगाने से ये एकदम सीधा सीधा फोल्डिंग होता रहता है ऐसे। और ये गत्ता रहता है तो इस पर सीधा फोल्डिंग होता रहता है, इसलिए इस पर गत्ता लगाना पड़ता रहता है। तो इसमें गत्ता लगाना पड़ता है। दूध का डब्बा, तो ये आगे का पार्ट है, तो इसको फोल्डिंग करना पड़ता रहता है। फोल्डिंग करने से ऐसा होता रहता है कि इस पर सिलाई बहुत अच्छे से चलता रहता है और एकदम सिलाई सीधी सिलाई होता रहता है। तो दोस्तों देखिए, ये आगे का पार्ट है तो इसमें पैकेट लगेगी और इसमें चैन लगेगी और अस्तर भी लगेगा। तो ये पैकेट वाली आगे का पार्ट है और ये पीछे वाली पार्ट है, इसको भी इसमें भी गत्ते लगाई हूँ और इसमें भी गत्ते दूध गम लगा करके, तो इस पर गत्ते चिपका करके, पहले मैं रबर चिपकाई हूँ, रबर के ऊपर गत्ते चिपकाई हूँ और गत्ते के ऊपर ये इसको फोल्डिंग करना पड़ता है। तो इसमें अभी मैं दूध लगाई हूँ और दूध लगा करके तो इसको फोल्डिंग करना पड़ेगा। और ये पीछे वाली पार्ट हो गई, ये इसमें फिटिंग लगेगा। तो ये दोनों तरफ का पार्ट है, ये फिटिंग वाली पार्ट है और ये पैकेट वाली पार्ट है। तो हमारा पार्ट बिल्कुल आज पूरा ही रेडी हो गया हुआ है और ये अभी फोल्ड करना बाकी है। तो फिर मैं फोल्ड कर लूँगी। सभी में गम लगा दिया हूँ, सभी में गम लगा हुआ है। और ये पीछे का ये है, तो ये बगल का है, दोनों तरफ का पार्ट है। तो ये अभी फोल्ड करना बाकी है और गम भी इसमें लगाना बाकी है, तो इसमें गम नहीं लगाई हूँ। और दोस्तों देखिए, मैं एक बैग बना रही थी मोती वाले, तो बच्ची के लिए। तो अभी मैं तैयार, मैं तो हमारे तो काम बहुत सारे रहते हैं, तो मैं काम में बिजी रहती हूँ। तो वो काम करूँ कि ये काम करूँ, तो इसको अभी तैयारी नहीं किया हूँ, मैं इसको तैयारी करूँगी। तो अभी ये तैयारी नहीं हो गया, ये लेट लग गया हुआ है। तो दोस्तों, ये पूरा को फोल्ड कर लिए हैं, ये फिटिंग वाली पार्ट पूरा फोल्ड हो गया हुआ है, ये पूरा फोल्ड हो गया हुआ है। और ये है तो इसको भी पूरे में गम लगा करके, तो इसको भी फोल्ड करना बाकी है। तो चलिए दोस्तों, तो जो काम मैं करती रहती हूँ रेगुलर, वो आपको मैं दिखलाती रहती हूँ। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहें और आप लोग हमारे वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, फिर मैं आगे आपको बतला रही हूँ। तो ये बादी है, ये बादी की सिलाई कर रही हूँ। ये बादी है, ये बैग में लगता रहता है इसलिए कि बैग को रुकावट रहता है और लूप मजबूती में आ जाता रहता है बादी के वजह से। तो बादी लगाना ज़रूरी रहता है बैग में और लूप में। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा बादी है, ये बहुत सारे बादी सिलना पड़ता रहता है, ये बहुत सारा है, अभी बहुत ज़्यादा सिलने को है और इतना सिली हूँ और ये पूरा सिलना बाकी है। और बादी लगाने से बहुत मजबूती आता रहता है।
और देखिए वाइट धागे से सिला हुआ है, वाइट धागे से सिला हुआ है सभी, और वाइट धागा यहाँ भी चल रहा है और यहाँ भी चलाई हूँ। और देखिए ये कितना बेहतरीन और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैचिंग के लिए देते रहते हैं और खूबसूरती के लिए। ये तीन पलाई के धागे हैं से सिला हुआ है, तो ये बहुत अच्छी वाइट धागा बहुत अच्छा लगता रहता है, और पूरा ही वाइट वाइट धागा से ही सिलाई होगा। और देखिए ये चार कलर में है, तो चार कलर में है, तो चार कलर में बादी भी सिलाई हुआ है और सभी का, तो सभी में काट करके और कटिंग करके और सभी में लगाएंगे। और ये ज़्यादा हरा कलर का है, तो हरा कलर का ज़्यादा सिलाई हो रहा है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा सिलाई लगता रहता है। और मैं इस पे कपड़ा की सिलाई भी कर लेती रहती हूँ, और ये बैग की सिलाई भी कर लेती हूँ, और थैली उली रहता है, कॉर्ड रहता है, कुछ भी रहता है, तो सभी की सिलाई कर लेती रहती हूँ। खाली सुई और प्लेट बदलना पड़ता रहता है चेंज करके, तो सिलाई कर लेती हूँ। और बैग का सुई अलग होता रहता है। बैग की सिलाई मोटे सिलाई मोटे सुई से होती रहती है, और कपड़े की सिलाई वो पतली वाली सुई 16 एक ही होती है, उससे होता रहता है। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा वीडियो ये यहीं तक के हैं, तो फिर दूसरी वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।